بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد محترم حاضرين الحمد لله हम किताब तोहद के दो दर्स मुकम्मल कर चुके हैं और अल्लाह की तोफ़ी से इनशा आज हम तीसरा दर्स शुरू करने वाले हैं جسكا عنوانه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يدرس بإنشاء شاء الله توحيد کی فضيلة और इस बात के बयान में है कि तोहेद की वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देता है इस दर्स में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अब्दुलवाहाबर ने सबसे पहले सातवें पारे सूरतुल्नआाम की आयत जिक्र की है शैफ़ानजी अलजीन आमनु वमयल ولم يلبسوا ईमान बिजल्म

अलज़ीन आमनु जो ईमान लाए वलम ईमान अहुम बुल्म और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से ख़राब नहीं किया अपने ईमान को जुल्म से ऐ नहीं किया, कियामन वह महतदूल तो यही वो लोग हैं जो अमन पाने वाले हैं अब सवाल ये उठता है कि वो जुल्म कौन सा है जुल्म से मुराद क्या है कि अल्लाहल फरमा रहा है जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म से दागदार नहीं किया जुल्म से गंदा नहीं किया उनका ईमान बिल्कुल साफ सुथरा और मजबूत है जुल्म की गंदगी से और जुल्म की कमज़ोरी से महफूज है वो जुल्म कौन सा है तो अल्लाह के रसुल्ला वसल्लम ने इसकी वजाहत करते हुए फ़रमाया कि इस जुल्म से मुराद सूरह लकमान की आयत जिसमें है कि अल्लाह अजल ने बयान किया इन नशिर का लज्लमनाजिम इन नशर का लज्लमुनाजिम वरना अगर से मुराद आम गुनाह मुराद लिए जाएं कि इंसान खुद अपनी जान पर ता है अल्लाह के बंदों पर म करता है तो अगर ये गुनाह मुराद लिए जाए तब तो कोई बच नहीं सकता वल्ला के रसूल सल्लह वसलम ने वाज़े कर दिया और यकीन जानिए कि क़ुर करीम की सबसे अच्छी तफसीर या तो ख़ुद कुरान करीम करता है और या तो फिर नबी अलैहि वसल्लम करते हैं अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ीर की या शरह की अदीस की ज़रूरत नहीं है तो समझ लीजिए कि उसे कुरान की भी ज़रूरत नहीं है वह झूठा है जो कहता है कि कुरान मेरे लिए काफ़ी है नहीं नहीं हो ही नहीं सकता मुमकिन नहीं है इसलिए कि कुरान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के बगैर सहाबा कराम के लिए काफ़ी नहीं हो सका उनको भी ज़रूरत पड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं समझाएं अपने क़ौल से समझाएं अपने अमल से समझाएं तो जिन पर कुरान उतरा जिनके सामने कुरान उतरा वो भी जब कुरान करीम की हर मुराद को अल्लाह अल्लाहल की हर मुराद को अपने अतबार से नहीं समझ सके जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया या अमल करके नहीं दिखाया तो आज हम जैसे जाहिल बेवकूफ़ कम इन कम अक्ल लोग आए और ये कहें कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है और नबी सल्ल वम की सुन्नत की या नबी सली वम की अहादीस की या नबी सल्ह्लम की तफसर की या नबी सल्लाम की शर और तशरी की हमको तो ज़रूरत नहीं है तो जान लीजिए दरअसल वो आदमी पक्का जिंदी है पक्का मुनाफिक है जो ये कहना चाहता है कि मुझे कुरान करीम की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर ये आयत आपके सामने है सातवा पारा सूरत आम अनु जो ईमान लाए व ईमान को जुल्म से खराब नहीं किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जुल्म से मुराद हर किस्म का गुनाह या हर किस्म का जुल्म नहीं है बल्कि इससे मुराद है इन न शिरकल मुलाजिम तो जिन्होंने अपने ईमान को शर्क से आलूदा नहीं किया ईमान को अपनी तौहीद को शिरक से दागदार नहीं किया शिरक से अपने आप को बचा कर रखा वही तो अमन अमान के हकदार हैं मुबतला हो सकता है कि शैतान उसको बहका सकता है।, उसको कदम रखता है अब्र के फितने में अल्लाह उसको साबित कदम रखता है फिर जब कयामत के दिन सब मखलूक उठेगी हर आदमी हैरान परेशान होगा उस वक्त अल्लाह वजल उसको अमन अमान अता करेगा अभी हाफिज साहब ने पहली रकात में जो आयत पढ़ी सत्रह में पारे अंबिया की वो आयत है ला अकबर जिस दिन सारी घबरा जाएगी तो उतनी बड़ी घबराहट के मौके पर भी वो लोग अमनो अमान में रहेंगे परेशान और घबराए हुए नहीं होंगे तो यही वो लोग हैं उलाकलम यही जो तो वाले हैं तोहैद परस्त हैं इन्हीं के लिए तो अमन अमान अमान मरते वक्त कब्र में जब उठेंगे इन हश्र में जब अल्लाह के सामने पेश होंगे जब पुल सिरात पार करके इन जन्नत तक पहुँचेंगे तो हर जगह हर हालत में हर मौके पर उनके लिए कामिल अमन और कामिल अमान है वह महतदुल और क्यों ना हो वही तो हिदायत याफ्ता है तो अब अल्लाहल ने शायद में साफ साफ ये कहा कि जो लोग ईमान वाले यानी तोहेद वाले हैं वही हिदायत याफ्तः हैं और जब वो हिदायत याफ्त हैं तो अमन अमान के असल हकदार वही हैं और मैंने आपको बताया कि अमन अमान कहाँ कहाँ अल्लाह की तरफ से मिलने वाली है और किस किस तौर पर किस किस शख्स को वो मिलने वाली है अमन के इसके अलावा और भी बहुत से मौाक़ हैं लेकिन जहाँ बात आ रही है अल्लाह की पकड़ अल्लाह के अजाब की तो एक मौका होता है मौत का दूसरा मौका है कब्र का तीसरा मौका है हश्र का और चौथा मौका है फिर पुल सिरात को पार करने का ये बड़े चार मौके हैं जहां इन अल्लाह तोहद परस्त अमन व अमान में होगा ला तखाफू वला तहजनु व अब शुरू बिल जन्नति कुन तुम तो आदून फरिश्ते ऐसे लोगों के पास आते हैं कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है अमन आगा अमान अगर तुम्हें न मिले तो फिर किसको मिले अब शिरू कुंतुम तुम जन्नत की तुम्हें बशारत हो खुशखबरी हो जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा है तो शेखुल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अब्दुल्वाबर ने दरअसल इस आयत को आयत के इस टुकड़े को ये बताने के लिए पेश किया कि अगर आदमी पर जीता पर तो इंशाला मरता है तो जहाँ जहाँ भी अमन की जरूरत पड़े इन अल्लाह की तरफ से अमन व अमान उसी को मिलने वाली है और दूसरों के मुकाबले में अमान का हकदार दरअसल वही है तो मालूम हुआ कि तोीद की फजीलत इतनी ज्यादा है कि आदमी के लाख गुना हों लेकिन अगर शिरक ना हो तो अल्लाह बदल उसे ज़रूर बरूर अमन व अमान फराहम करेगा इसके बाद फिर शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन वहाब रोल ने दो हदीसें जो इन आज के दर्ज में हम देखने वाले हैं पहली हदीस उबादा बिन सामित अंसारी रजी अल्लाह की रिवायत से है ये अंसार के सरदारों में से एक सरदार थे उबादा बिन सामित अंसारी रजीलो की रवायत से जिसे इमाम बुखारी और

उसे मुतफन आल कहा जाता है मतलब यह है कि इस हदीस की सेहत पर इस हदीस के ऊंचे दर्जे की सही हदीस होने पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का और नतीजे में पूरी उम्मत का इतफाक है उम्मत से मुराद वो उम्मत जो हदीसों को मानती है जिनके यहाँ पर हदीसों को लेकर शक और एतराज है हमें उनको उम्मत जबरदस्ती उम्मत में दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है तो ये मतलब होता है मुतफ़ुन अलिया का कि मुतफ़ुन अला सेहत ही इस हदीस की सेहत पर सबसे अव्वल मरहल में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का इतफाक़ है और उसके बाद तमाम अइमा और का उलमा का उम्मत का इतफाक है ये मतलब है मुतफ़ुन अलह का तो जहाँ भी आप किसी हदीस की किताब में देखें कि हदीस के आगे पीछे मुतफ़ुन अलै लिखा हो तो समझ लीजिए कि यह हदीस इन शहत के सबसे ऊँचे दर्जे पर है जिसे इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने अपनी में रिवायत किया है इमाम बुखारी की कई किताबें हैं जिनमें से वो किताब जो सेहत के सबसे ऊंचे दर्जे पर है वो वही है जिसे आप सही अलबुखारी के नाम से जानते हैं तो इमाम मुस्लिम की भी बहुत सी किताबें हैं जिनमें सबसे ऊंचे दर्जे पर जो हदीस जो हदीस की किताब है सेहत के सबसे ऊंचे दर्जे पर है वो उनकी वही किताब है जिसे हम मुस्लिम के नाम से जानते हैं तो यह हदीस उबादा अंसारी रजी की रिवायत से है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए आप फरमाते हैं हदीस में कुल पांच जुमले हैं पांचों पर ध्यान दीजिए खास तौर पर तीसरे पर ध्यान देने की जरूरत है मन शहीदा من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى یہ تیسرا جملہ ہے جس پر میں نے کہا جس خاص عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه جاءت جملة ہے والجنة حق और पांचवा जुमला है मन शहीदा अन वन्नाद इस पर कलाम बात तफसील से हो चुकी है जो गवाही दे के अल्लाह तन्हा अकेला महबूद बरहक है अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है वही अकेला सच्चा बरहक काबिल इबादत है वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं ताकीद ला अल्लाह की ये ताकीद है कि अल्लाह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं ना उसकी ज़ात में ना उसकी सिफात में ना उसके कामों में ना उसके मुल्क में किसी भी चीज़ में अल्लाह का कोई शरीक नहीं कोई बराबर नहीं कोई हमसर नहीं है लई शकमित शहूस समय अल्लाह के जैसा कुछ भी नहीं और अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है तो जो शख्स भी सबसे पहले ये बुनियाद है तोहीद की असल तो यही है तो जो शख्स भी ये गवाही दे कि अल्लाह अकेला मबूोदे बरहक है वो बिल्कुल तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं है फिर ये कि महमद सल्ला अल्लाह के बंदे हैं महमद सल्ला अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह के रसूल सल्ला फ़रमाते हैं लातरूनी नसार नमर मरियम

लिहाजा अब और रसूल कहना कि आप अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं तो मोहम्मद के बंदे हैं और अल्लाह का बंदा होना यह आपके लिए शरफ की बात अल्लाह का बंदा होना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शरफ की बात है अल्लाह खुद फरमाता है सुबह असरा बे अब दी असरा ही। जब बात आई इसरा की महराज की तो अल्लाह अल्लाहल ने रसूल नहीं कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह को अल्लाह ताला ने रसूल नहीं कहा क्या कहा अब्द कहा इससे मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम के लिए अब्द होना बंदा होना शरफ फख्र की बात है वरना अल्लाह ताला कहता सुबहानसरा बे रसूली सुबहानी असरा बेनबी ही ऐसा कुछ नहीं कहा बल्कि सीधा सीधा फरमाया ब्या अल्लाह बेबदही अल्लाहल हर नक्श से हर आय से हर कमी हर खामी से पाक है वही अल्लाह जिसने अपने बंदे असरा रातों रात ले गया जो अपने बंदे मोहम्मद वसल्लम को रातों रात मस्जिद अकसा से मस्जिद मस्जिद हराम से मस्जिद अकसा तक ले गया तो मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और हाँ अल्लाह के रसूल भी हैं हम में और नबी सल्ला वसम में फ़र्क़ यही है कि हम अल्लाह आम बंदे हैं गुनागार हैं और जो अम्बियाँ हैं अल्लाहल ने उनको खसूसियत के साथ नबूवत और रसालत के लिए चुन लिया तो महम्मद सल्ला वसम्म बुनियादी तौर से बंदे हैं और उसी के साथ अल्लाह आज वदल ने आपको नबूवत और रसालत के लिए भी चुना और आप पर रसालत और नबूत को ख़त्म कर दिया महमद सल्ला वसम पर अल्लाह तसालत और नबूत को खत्म कर दिया अब ईसा ईसी भी आएंगे तो अपनी नबूत और रिसालत के दावे को लेकर नहीं आएंगे ईसा आल साम भी इनशा आएंगे ईसा आलाम भी इन आएंगे तो अपनी नबूत और रिसालत के दावे के साथ नहीं आएंगे बल्कि रिसालत मोहम्मद महम्मद सल्लाम की नबूवत महमद सल्ला वम की और ईसा आसमाम इस उम्मत के मुआविन मददगार की हैसियत से आएंगे पहले दज्जाल के फितने से इनशाला नजात दिलाने के लिए और इन फिर याजूज माजूज के फितने से नजात दिलाने के लिए अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी ये कहता है कि वो नबी है तो जान लीजिए वो जहन्नमी और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स भी अगर ये कहता है कि वो नबी है तो आप बस ये कह लीजिए समझ लीजिए यकीदा रखिए कि वो जहन्नमी है इसके अलावा और कुछ नहीं क्योंकि नबूवत और रिसालत अल्लाह अल्लाहल अपने नबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर चुका इसीलिए अल्लाह ने फरमाया माकान मुहम्मद अहद मिन मकान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हमको मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तीन बेटे दिए थे लेकिन तीनों बच्चों की वफ़ात बिल्कुल इब्तदाई उम्र में ही हो गई थी और आपकी फिर चार बेटियाँ थी चारों बेटियों की माशाल्लाह शादियाँ हुई और ये बातें आपको मालूम है तो अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों के बाप नहीं हैं हाँ वो क्या है वलाकिन रसूल अल्लाह व खात मनबीन अल्लाह के रसूल हैं और आप पर नबूवत को अब खत्म कर दिया गया तो हम ये ईमान रखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं तो इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि आप बंदे हैं मखलूक़ हैं इससे ज्यादा इलाहियत और उलूहियत वाला कोई मर्तबा और कोई दर्जा आपको हासिल नहीं है बंदे हैं यानी मखलूक हैं और बंदे हैं यानी किसी बंदे की औलाद हैं और ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके बाप का नाम और आपकी अम्मी का नाम क्या था मतलब जैसे इंसान होते हैं हमारे माँ बाप होते हैं उसी तरह से मोहम्मद सल्ला वम के भी माँ बाप थे जैसे हम इंसानों की बीवियाँ बच्चे होते हैं और सूरल सल्हल की भी बीवियाँ और बच्चे थे तो मोहम्मद सल्ला व बंदे हैं यानी मखलूक हैं और हाँ जिस शरफ़ से अल्लाह ने अपने नबी सल्हुस को नवाज़ा दूसरे इंसानों के मुकाबले में आपका मकाम बुलंद किया वो ये है कि अल्लाह ने आपको नबूत और रिसालत से नवाजा है और ये कि रिसालत और नबूवत की अब इंतहा हो चुकी नबूत और रिसालत का खात्मा हो चुका तो हम ये मोहम्मद वसल्लम के ताल्लुक से ईमान रखें और ये ईमान रखें कि आपकी इतात में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है आपकी इतात और आपकी इतबा में ही दुनिया और आखिरत की शादतें और कामयाबियाँ हैं उसके बाद जो असल मसला टेढ़ा है वो ये है वीसा अब व रसूलू वकलीमत अलका इलामर यम वमिल ये तीसरा जुमला है इस पर ख़ास तौर से ध्यान दीजिए और ये भी कि ईसा अल्लाह के बन्दे हैं ये बात ईसा ने खुद कही थी सुरह मरियम में जब मरियम अल्लाह रजीन उस नौजायदा पैदायशी बच्चे को गोद में लेकर अपने कौम के पास पहुँची तो कौम के लोगों ने कहा ये क्या है तो मरियम ने इशारा किया ईसा की तरफ अल्लाहल ने इसा की जबान से अल्फाज जारी किए और उन्हें फिर कुरान में साबित भी कर दिया नकल कर दिया कयामत तक वह अल्फाज पढ़े जाते रहेंगे उन्होंने कहा था कला इन्नी अब्दुल्ल ईसी ने जो बात की जो सबसे पहला जुमला उनकी जबान से उस उम्र में निकला जब शरा पर या अकली तौर पर किसी भी बच्चे का बोलना मुमकिन नहीं है पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बच्चा जो अभी पैदा हुआ हो वो बा, बात करे और बात भी इतनी ऊंची तो ये ईसा का मुआजा था उन्होंने कहा अल्लाह का बंदा हूँ अल्लाह का बेटा अल्लाह की औलाद नहीं हूँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो ईसा भी अल्लाह के बंदे हैं ये तो आसान है वह रसूल हु ईसा भी अल्लाह के रसूल हैं मगर उनकी रिसालत मोहम्मद वसल्लम से पहले की रिसालत है मोहम्मद वसल्लम पर रिसालत खत्म हो चुकी वह कलीमत इला मरियम ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलेमा कौन सा कलेमा है कुन कौन सा कलेमा है अल्लाह वजल का मामला तो यह है कि जब भी किसी काम का उसे इरादा हो तो वो कहता है फ़ुन और वो काम हो जाता है मुझे कुरान दीजिए वहाँ से अब देखिए तीसरे पारे में सुर इमरान में अल्लाज वजल ने ईसा आसमाम के तलु से जिक्र किया जहाँ मरियम का वाक़ तफसील से मजकूर है वहीं पर इज़कालतमलाकतमर यमु जब फरिश्तों ने मरियम से ख़िताब किया इन युबशर की ए मरियम अल्लाह तुमको बशारत दे रहा है बी कलीम मिन हो उसकी जानब से कलीमे की इस मह अलमसीह सबन मरियम उस कलीमे का उस बंदे का नाम होगा मसीह ईसा बिन मरियम मसीह का मतलब है शर को मिटाने वाला मसाहयम सहु मिटाना मसाहयम सहु यानी मिटाना तो चूंकि ईसा आलम बती बदी को बातिल को मिटाने के लिए आए थे और इन वापस से आएंगे इसलिए उनका नाम है अल मसीह और इसी तरह से मसीह का मतलब हाथ फेरना मसाहा हाथ फेरना तो चूंकि ईसा सलाम उबरी उल आलम अबरसा जो बीमार होते थे मखसूस किस्म की बीमारियां ईसा सलाम हाथ फेरते थे और वह शिफा अल्लाह देता था ईसा शाफी नहीं थे हमारा अकीदा यह है कि शिफा कौन देता है जल शाफी है शाफी कोई मखलूक नहीं है तो ईसा आलाम हाथ फेरते थे और अल्लाह वजल ईसा के उस हाथ फेरने के जरिए लोगों को शिफा देता था तो इस एतबार से ईसा आसमाम मसीह हैं तो उनका नाम मसीह ईसा इबन मरियम होगा ध्यान दीजिए एक बात और वो ये है कि कभी भी किसी भी बंदे की नस्बत माँ की तरफ नहीं की जाती यहाँ बात आई है तो बता दूं बाज लोग ऐसा समझते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे कि कयामत के दिन लोगों को उनकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा आपने सुना है ऐसा इस तरह कोई जुमला कयामत के दिन लोगों को उनकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा तो ये गलत बात है और ये बेइज्जती की बात है काहे की बात है ये क्योंकि इस्लामी कानून के अतबार से माँ की तरफ नस्बत उसी की, की जाएगी जिसका बाप मालूम ना हो इस्लामी कानून के अतबार से माँ की तरफ किसकी नस्बत की जाएगी जिसका बाप मालूम ना हो अगर बाप मालूम है तो फिर बाप की तरफ नस्बत क्यों नहीं करते आप कुछ ना कुछ तो मैटर है तो यही है इस्लामी कानून के बच्चे की नस्बत बाप की तरफ की जाएगी और इसी में हमारे लिए इज्जत हाँ अगर माँ की तरफ नस्बत करते हैं तो साथ में बाप का नाम भी जिक्र किया जाता है जैसे कि आज हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें माँ का नाम बाप का नाम दोनों होते हैं इसमें हर्ज नहीं इसमें कोई अरज नहीं है माँ का नाम भी बताएं और साथ में बाप का नाम भी बताएं लेकिन सिर्फ माँ का नाम अगर है तो जान लीजिए यह इंसान के लिए बेइज्जती की बात है मतलब साफ साफ ये है कि उसका बाप मालूम नहीं है न तो अल्लाह अल्लाहल जिस बात को दुनिया में जिल्लत का तरीका बता रहा हो उससे जरिए आखिरत में इज्जत कैसे देगा जो बात दुनिया में बायस जिल्लत हो आखिरत में वो बात बायस इज्जत नहीं हो सकती इसीलिए सही हदीस है कि क़यामत के दिन तुम्हें अपने और अपने बाप के नाम से पुकारा जाएगा लिहाजा अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो क्यामत के दिन सुन नबी दाऊद की रिवायत है कि क्यामत के दिन तुमको तुम्हारे और तुम्हारे बाप के नाम से पुकारा जाएगा इसलिए अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो तो बाप के नाम से पुकारा जाना ही इज्जत है यही शरफ है और बाप ही के जरिए खानदान कबीला बनता है माँ के जरिए ख़ानदान और कबीला नहीं कभी नहीं बनता इसीलिए आप ईसा सलाम की पूरी जो भी कुरान ने जिक्र किया उनकी दावत उसमें या कौमी कहीं नहीं पाएंगे नू ने कहा या कौमी हूद ने कहा या कौमी सालह ने कहा या कौमी मूसा ने कहा या कौमी अः मेरी कौम है मेरी कौम है मेरी कौम लेकिन ईसा आसलाम ने या कौमी कहीं नहीं कहा उन्होंने या बनी इसराइल कहा आप पढ़िए कुरान करीम सफ की एक आयत आपके सामने रखता हूँ शायद मस, मसला मजीद वाज हो जाए देखिए यहाँ पर भी तीसरे पारे में पारे में भी एक आयत मैं आपके सामने रखता हूँ नुमा या बनी इसराइल अट्ठाईसवें पारे सुरै सफ़ की आयत नंबर 6 है कि जब ईसा मरियम ने कहा या बनी इसराइल या कौमी नहीं कहा तो ये पॉइंट हमेशा अपने जहन में ताज़ा रखिए कि खानदान और कबीला बाप के जरिए बनता है माँ के जरिए नहीं बनता इसीलिए ईसा आसमाम ने कहीं भी या कौमी नहीं कहा या बनी इसराइल कहा आप बाइबल बाइबल पढ़ डालिए इस अकीदे के साथ वो खुराफात लेकिन उसमें कहीं भी ईसा ने यही कहा बनू इसराइल की भेड़ों ए बनू इसराइल की गुमशुदा भेड़ों यही कहा ए मेरी कौम नहीं कहा कभी नहीं कहा आप बाइबल पढ़ डालिए पढ़ना तो नहीं चाहिए फिर भी अगर आपको मजीद चाहिए कि क्या ये बात सही हो सकती है तो ईसा ने कभी भी या कौमी नहीं कहा क्योंकि कौम बाप के जरिए बनती है कबीला बाप के जरिए बनता है खानदान बाप के जरिए हमको मिलता है माँ के जरिए नहीं मिलता ये बात हमेशा ध्यान रखिए उसके बाद अरबी का एक कायदा हमेशा याद रखिए वो ये है कि जब भी बाप बेटे के बाद बाप का नाम आएगा एक साथ लिखा जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ऐसा लिखा जाएगा मोहम्मद यानी मोहम्मद के बाद बानून बिन लिखा जाएगा ऐसा इब्न नहीं लिखा जाएगा अरबी में आप ईसा कोई भी कुरान करीम उठाइए आप उसमें एक आयत जो मैं बताता हूं पढ़िए देखिए उसमें कैसा लिखा हुआ है यही तीसरी तीसरा पारा खोलिए आप लोगों के पास अगर मुसफ हो मोबाइल में तो देखिए तो कैसे लिखा हुआ है तीसरा पारा देखिए आयत नंबर पैंतालीस तीसरा पारा सूरह आले इमरान आयत नंबर फोर्टी फाइव देखिए कैसे लिखा हुआ है ईसा इब्नो मरियम है कि नहीं देखिए है ना बीच में अलिफ देखा आपने ईसा इब्नो मरियम है कि नहीं अलिफ के साथ है ना तो ये पॉइंट भी हमेशा ध्यान में रखिए अरबी कानून के एतबार से अगर बाप और बेटे का नाम एक साथ लिखा जाता है तो बिन लिखा जाता इब्न नहीं लिखा जाता एक साथ अगर लिखा आगे पीछे हो गया तो फिर तो इब्न रहेगा उसका मसला नहीं लेकिन एक साथ आ रहा है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आएगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नहीं आएगा जबकि ईसा का नाम यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है मगर कैसे लिखा हुआ है इब्न लिखा हुआ इससे मालूम हुआ कि ईसा आसलाम ये मरियम के बेटे थे मरियम उनकी मा थी बाप नहीं तो बाप के अलावा की तरफ जब नस्बत होगी तो इब्न के साथ होगी लेकिन बाप ही की तरफ जब नस्बत होगी तो बिन के साथ होगी बहुत बारीक बात है हमेशा ध्यान रखिए लेकिन कब जब एक ही आस, ए आगे पीछे बाप बेटे का नाम आ रहा है तो अल्लाह ने जहां भी ईसा इब्न मरियम कहा वहां पर ईसा इब्न मरियम का अलिफ के साथ कहा बगैर अलिफ ने नहीं कहा क्योंकि बगैर अलिफ की जब नस्बत होती है तो इसका मफहूम साफ होता है कि जो अब जिसका नाम है वो बाप लेकिन मरियम चूंकि बाप नहीं माँ है इसलिए उनका नाम ईसा इबन मरियम कुरान करीम आप कहीं भी पढ़िए अलिफ के साथ ही आपको मिलेगा वाजह हमारी बात अब आगे का जो मसला है वो ये है कि हमने बताया वह कलीमत अल्लाह का कलेमा है कलेमा कौन सा है आयत कंटिन्यू है या जब फरिश्तों ने मरियम से खिताब किया है मरियम इन अल्लाह बशीरू की अल्लाह ताला आपको बशारत दे रहा है बिकलीमत मिन जानीब से मरियम जिनका नाम मसीहर है और में वो बहुत बड़ी शान बड़े मरतबे वाले हैं, के बंदों में से हैं। वा लोगों से बात करेंगे वह कहन और जवानी के बाद की जो अधेड़ उम्री होती है उसमें भी वो लोगों से बात करेंगे यानी दावत देंगे वो सालिहीन और नेक लोगों में से हैं। हैंत तो मरियम कहने लगी रब भी मेरे रब, अन्ना ये खिलाफ फितरत तो आप जानते ही होंगे ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल बात है खिलाफ फितरत बात है मुझे बच्चा कैसे हो सकता है वलम यमसनी बशर किसी मर्द ने मुझे छुआ भी नहीं तो मुझे बच्चा कैसे हो सकता है कल का लाहू यख लुकुमाशा तो अल्लाह ने जवाब दिया मतलब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि अल्लाह ताला का मामला ऐसा ही अल्लाह जैसे चाहता है जो चाहता है पैदा करता है इजा कवा अमरा नमा यकुलु लह कुन फयकून यह है कुन के जब अल्लाह ताला किसी काम का फैसला कर लेता है तो कहता है कुन हो जा और फिर फौरन के फौरन वो काम हो जाता है तो ईसा अलै अल्लाह का कलिमा है बिमाना कलिमा कुन कलिमा कौन से अल्लाह अल्लाहल ने उनको पैदा किया अलकाहा इला मरियम अलका मतलब डालना जबलीसलम आए थे, थे सोरे मरियम में तस्करा है और फिर उनके गरेबान में फूका उसी फूक के जरिए से ईसा आलम मरियम के यहाँ वजूद में आए अब कलेमे का एक माना तो मैंने आपको बताया वो समझ में आया कलेमा कुन कलेमे का एक माना समझ में आया कलीमा भी माना कुन दूसरा माना बाज़ बादन ऐसा कहते हैं कलीमे का माना हजतुल्लामे का माना क्या है हजतुल्लाह अल्लाहल की वो हजत है हुज्यत समझते ना दलील जिसे साबित कर दिया जाए साबित शुदा दलील को हजत कहते हैं हजत यानी बहस मुबाहसा नहीं जो हम कहते ना क्यों हजत कर रहे हो वो बहस वाली हजत नहीं हजत का मतलब होता है वो दलील जिससे बात पक्की कर दी जाए अब उसकी काट की गुंजाइश बाकी ना रहे अरबी में जब कहते हैं हजतुल्लह तो उसका मतलब होता है ऐसी दलील ऐसा पुरावा के जिसने अपनी बात को साबित कर दिया अब उस बात को काटने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही तो ईसा कलेमा अल्लाह की हजत है ऐसी दलील है ऐसा पुरावा है कि उन्होंने अल्लाह की बात को साबित कर दिया अब उस बात को काटने की उसको रद्द करने की गुंजाइश बाकी नहीं बची तो ये दूसरा माना है इसी से उलमा ने यह भी कहा कि वो अल्लाह का कलेमा है मतलब अल्लाह अल्लाहल ने उनको उस वक्त बोलने की कवत दी जिस वक्त बोलना शरान भी नामुमकिन है और फितरी तौर पर भी नामुमकिन है कलेमा भी माना अल्लाहल ने उनको उस वक्त बोलने की कवत दी और उन्होंने बात की कल ने अब्दुल्ला

कि ये जो सुने मरियम की चंद आयतें हैं ईसा ने किस वक्त ये जुमले कहे थे फातत कौमा फात कालू या मरियम अन्ना या हाजा अकीत या मरियम मरयमू फाह तहमिल हो कलू या मरियम लकद जी शैन फरिया जब वो बच्चे को उठाकर लाई अपने कौम के पास तो कहने लगे लोग मरियम कितना बड़ा बोहतान ये तुम ले आई हो ए हारून की बहन उनके भाई का नाम हारून था नहीं कि हारून आलम नहीं वो लोग भी अपने नेक लोगों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते थे तो तुम्हारे अब्बा भी तो बहुत अच्छे आदमी हैं तुम्हारी माँ भी बहुत शरीफ और नेक दींदीदार खातून है फिर मतलब यह है कि जब तुम्हारे माँ बाप इतने अच्छे तुम इतने अच्छे घराने की तो ये काम कैसे हो गया मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया फावत बच्चे की तरफ इशारा किया कालू कैफनक लिमु मनकान फिल्मी सभी मतलब मरियम का इशारा ये था कि बच्चे से पूछो तो कहने लगे ये कैसी बात करती हो अभी तो ये बच्चा है नौजायदा बच्चा है इससे हम कैसे बात करेंगे लेकिन बस कौम का इतना कहना था कि अल्लाह ने ईसा को कुत गोयाई दी और ईसा आसमाम ने जो कुछ कहा अल्लाह ने हमारे सामने उन बातों को नकल किया आप सोलहवा पारा सूरह मरियम जाइए और आयत नंबर उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस ये चौंतीस तक ये आयतें आप जरूर ब ज़रूर पढ़िए इन काफ़ी फायदा होगा तो इसमें है कि वकली मतहू इला मरियम समझ में आया तीसरा माना पहला माना तो हमने बताया कुन अल्लाह ने कलेम कन से पैदा किया दूसरा माना हमने बताया हजतल अल्लाह की वो हजत मतलब अल्लाह वजल ने यह साबित किया कि अल्लाह जब कोई काम करना चाहता है तो उसको जराए की और इसबाब की जरूरत नहीं पड़ती अल्लाह बगैर बाप के पैदा करने पर कादर है अल्लाह ने पैदा करके बताया वो अल्लाह की हजत है और तीसरा माना हमने बताया कि अल्लाह ने उनको उस वक्त बोलने की कवत दी जबकि अकली तौर पर या फितरी तौर पर बोलना मुमकिन नहीं है तो ये तीन मानी कलेमे के तल्लुक से याद रखिए इलामर यमा अल्लाह ने उस कलेमे को मरियम की तरफ डाला था जब्राइल के वास्ते से वह रूह मिन हो रूह मिन हो अल्लाह की रूह नहीं है अरबी पर ध्यान दीजिए एक जुमला होता है अगर मैं कहूँ रोशहू और एक होता है रूशम मिन हो जिसे भी अरबी आती होगी जरूर इन दोनों जुमलों में वो फर्क समझ लेगा रूह हु उसकी रूह यानी अल्लाह की रूह तो अल्लाह ने रूह हु नहीं कहा उसको ईसा को रूह हु नहीं कहा बल्कि क्या कहा रोशम मिन हो और मिन का मतलब होता है जानिब से तरफ से रोश मिन हो यानी अल्लाह की तरफ से रूह है अल्लाह की तरफ से रूह है अल्लाह की रूह नहीं है ध्यान दीजिए रूह हु अगर कहता अल्लाह है तो इसका माना क्या होता है वो अल्लाह की रूह है जी नहीं रोश मिन हो अल्लाह की जानिब से रूह है इस रूह के क्या माना है इसके ताल्लुक से भी के अकवाल है ध्यान दीजिए पहला कौल ये है कि जिस तरह से अल्लाह वजल ने हमारे जिसमें रूह फूकी तो हमारे जिसम रू फूका जाना नेचुरल वे में था हमारे जिसमें जो रूह फूकी गई वो कोई एब नॉर्मल तरीका नहीं था कैसा था नॉर्मल था माँ थी बाप था यही था ना तो जो तरीका अल्लाह अजल ने इंसानों की विलादत का दुनिया में जारी किया हम उसी तरीके से दुनिया में आए तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको अलग से जिक्र किया जाए लेकिन ईसा की विलादत के लिए ऐसा मामला नहीं हुआ बल्कि वह एब था जो पॉसिबल नहीं है तो चूंकि वो ऐसी चीज थी ऐसी शक्ल थी लिहाजा अल्लाह ने कहा कि ख़ुसूसियत से ईसा आलाम अल्लाह की जानब से रूह है और रूह तो अल्लाह की मखलूक और रूह क्या है अल्लाह की मखलूक है रूह अल्लाह की मखलूक है तो जिस तरह से पूरी दुनिया पूरे जानदार रूह के जरिए जिंदा होते हैं उसी तरह से ईसा आल्लाम भी रूह के जरिए पैदा हुए लेकिन फ़र्क यह है कि हमारी और आपकी जो विलादत हुई और हमारी जो जिंदगी है ये बिल्कुल एक फितरी तरीके पर है जबकि ईसा सलाम की जो विलादत है वो फितरी तरीके पर नहीं है तो ये है ख़ास तौर पर रूह का माना कि वो अल्लाह की जानब से रूह है यानी उनकी पैदाइश के लिए उनके जिसमें रूह फूकने के लिए वो तरीक़ा इख्तियार किया गया जो नॉर्मली इंसानों के साथ इख्तियार नहीं किया जाता एक माना इसका यह दूसरा माना है वो रूह उम्मिन हो बीमाना रसूल उमिन हो बिमाना रसूलٌ हो, रूहं हो बिमाना के रसूल ईसा सलाम अल्लाह के रसूल है ना तो रसूल को रूह कहा जाता है किस माना में कोई बताएगा रसूल को रूह कहा जाता है कुरान करीम को रूह कहा जाता है अल्लाह फरमाता है वह इलैका का मिन अमरिना तो यहां पर रूह से मुराद कुरान करीम है तो कुरान करीम किस माना में रूह है यह मुर्दा दिलों को हिदायत देता है कुफ्र और शर्क से जो मुर्दा हो जाते हैं तो अल्लाह अज वजल इस कुरान के जरिए उनको हिदायत की ज़िंदगी देता है तो यह कुरान रूह है इसी माना में अम्बिया और रसूल भी क्या है रूह है इसी माना में अम्बिया और रसूल भी क्या है रूह है कि अल्लाह वजल अम्बिया के, के जरिए और रसूलों के जरिए कुफर और शिर्क से जो लोग मुर्दा हो चुके होते हैं उनको नई जिंदगी देता है तोहैद सिखाता है और कुफ्र और शिर्क की का खात्मा करके उनको तोहैद और ईमान की नई जिंदगी देता है एक दूसरा माना यह और तीसरा माना है आपने सुना तो होगा बल्कि अभी मैंने आयत आपके सामने पढ़ी थी वह उबरी अब व ईसा सलाम ने अपने बहुत से काम जो मुआजे जिक्र किए उनमें से ये था कि मैं इन इन बीमारियों वालों को अच्छा कर देता हूं और इसी के साथ साथ क्या करता हूँ मुर्दों को जिंदा करता हूँ तो किसी भी मुर्दा को जिंदा करने के लिए रूह चाहिए कि नहीं चाहिए किसी भी मुर्दा को जिंदा करने के लिए रूह चाहिए ना तो ईसा चूंकि मुर्दों को जिंदा करते थे लेकिन याद रखिए भी इसे को भूलना नहीं काम अल्लाह करता था ईसा जरिया बनते थे काम कौन करता था वो अल्लाह अफजल करता था ईसा आलम का काम नहीं था ईसा आल्लाम की तो खुद मौत होने वाली है इचाला जब वो आएंगे महादी की मदद होगी उसके बाद उनकी खुद की भी मौत होगी तो ईसा आलम तो तो किसी मुर्दा को जिंदा नहीं करते थे बल्कि वो, वो जरिया इख्तियार करते थे हाथ फेरने वाला कुछ बोलने वाला लेकिन असल मुर्दों को जिंदा कौन करता था इस अल्लाह अफजल करता था इसीलिए कहा भी ये सारे काम जो मैं करता हूँ ना वो काम अल्लाह अल्लाहल की जानव से तय शुद्धा है अल्लाह अल्ला की इजाजत उसके हुक्म से सारे काम होते हैं मेरा अपना उसमें कुछ नहीं सिवा ये कि वो जरिया मैं बनता बस तो ये तीसरा माना है वरुह मिलहो का तीनों मानी समझ में आए तीनों समझ में आए क्लियर एकदम कि सलाम को अगर रूह कहा गया तो इसका क्या माना है एक माना तो ये हमने बताया जैसे हम लोगों के जिसमों में बिल्कुल नेचुरल तरीके से नॉर्मल जो हमारा तरीका है फितरी उसी तरीके से हमको जिंदगी बख्शी गई ईसा सलाम के लिए बिल्कुल ऐसा तरीका इख्तियार नहीं किया गया वो चूंकि एकदम अलग था इसलिए उनको कहा रूफम हो वरना वो रूह है यानी उनके जिसमें रूफों की गई और रूह अल्लाह की मखलूक दूसरी बात वो अल्लाह के रसूल हैं अम्बिया और रसूल कुफ्र और शिर के जरिए जो लोग मुर्दा हो जाते थे उनको वो दोबारा तोहैद की जिंदगी की तरफ लाते थे उनके दिलों को और जिसमों को दोबारा तोहैद की जिंदगी मिलती थी और तीसरा माना क्या बताया मुर्दों को जिंदा करने वाला मुजजा तीसरा माना है मुर्दों को जिंदा करने वाला मुजजा तो गोया उनके जिस्मों में जो दोबारा रूह फूकी जाती थी अल्लाह की तरफ से तो जरिया कौन बनता था ईसा आलाम जरिया बनते थे तो ये तीन मानी मिलो के अब बात तो पूरी हो रही थी शहादत से शहादत से तो बात पूरी हो जाती है ना ला लादल्ला ला मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान शुरू और ईमान खत्म होता है कि नहीं होता फिर खास तौर पर ईसा सलाम का जिक्र क्यों किया गया ईसा सलाम का जिक्र इसलिए किया गया कि अल्लाह अजल की जनाब में जो सबसे बड़ी गुस्ताखी की गई वो यही अल्लाह अजल की जनाब में जो सबसे बड़ी गुस्ताखी की गई वो क्या है वो यही है कि उनके लिए बीवी और बच्चा साबित किया जाए भाई बच्चा कब होगा जब बीवी होगी तभी तो होगा ना तो ईसा नवज बिल्ल लाहकौत बिल्ला अगर ईसा सलाम को अल्लाह का बेटा कहा जाए तो ज़ाहिर ईसा की माँ अल्लाह की लाहकौतल बात वाज है कि नहीं है तो ये इतनी बड़ी गुस्ताखी है जो अल्लाह अल्लाहल के जनाब में इन ईसाइयों और अपने आप को क्रिश्चियन कहने वालों ने की तो जरूरी हुआ कि उनका भी रद्द किया जाए और यह बताया जाए कि जब तक तोहैद का तकाजा पूरा नहीं होगा और तोहैद का तकाजा यह है कि हम अल्लाह को अल्लाह समद माने लम यलिद वलम यूलद माने आप मानते हैं सुर इखलास याद है आपको मालूम ही होगा कि सुर इखलास एक तिहाई वन थर्ड इखलास पढ़ने का सवाब कितना है एक तिहाई कुरान पढ़ने जितना है ना वन थर्ड कुरान करीम पढ़ने जितना है और उसकी वजह अल्लाह आज वजल बेहतर जाने हमारी समझ में जो बात आती है वो इसलिए कि सुर अखलास में तोहद के अलावा कुछ है ही नहीं सुर अखलास में तोहद के अलावा कुछ है ही नहीं तो इसमें यह बताया गया कि ईसा को अल्लाह का बंदा अल्लाह का रसूल मानना इतना ज्यादा जरूरी है कि उसके बगैर अल्लाह उसमदी वलम यूलत वाला मामला पूरा नहीं हो सकता तो अगर आप अल्लाह आज वजल को अल्लाह सदी वलम यूलत मानते हैं तो उसका लाजमी तकाजा ये होगा कि ईसा को क्या मानना पड़ेगा फिर अब्दुल्ला और रसुलू मानना पड़ेगा अभी सूरत पूरी नहीं हुई सूरत में वलम यकुल्लहू कुफुवन कुद अगर हम ईसा को अल्लाह का बिल्लाह वला वला हौला इल्ला बिल्लाह अगर ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं तो फिर अल्लाह के बराबर भी मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा कि नहीं क्योंकि मालिक का बेटा भी तो मालिक होता है छोटा मालिक होता है आगे चल के वो बड़ा बन जाता है होता है कि नहीं तो बेटा बहुत सी दफा बहुत सी दफ़ा क्या वो अपने बाप का शरीक होता है बाज बादलत में वो बाप के साथ होता है और बाप के मरने के बाद वो बाप से भी बड़ा हो जाता है और उसके बाद ये कि अगर बेटा और बाप माना जाए तो मौत हयात दोनों लाजिम आते हैं अगर बाप और बेटा माना जाए तो मौत हयात दोनों दोनों लाजिम आते हैं ना भाई कल हमारे दादा जिंदा थे आज नहीं है कल हमारे वालद मोहतरम अल्लाह थे जिंदा थे आज नहीं है तो ये सिलसिला चल रहा है ना दादा फिर बेटा फिर मैं फिर मैं फिर मैं ऐसे चलता रहेगा ना नई नस्ल आती रहेगी और पुरानी नस्ल खत्म होती रहेगी कि नहीं तो अगर अल्लाह अल्लाहल का बेटा माना जाए ईसा को तो बाप बेटे वाला मसला हुआ तो फिर ईसा क्यों रुकेंगे वो कहेंगे मुझे ही बेटा चाहिए है कि नहीं भाई आपने शादी किया आपका बेटा जवान होगा तो हो भी कहेगा ना आपको मुझे भी शादी करना है क्लियर है कि नहीं ये तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं ना ये तो इंसानों की तरह हो जाएगा तो यहाँ पर यह बात वाज़े है कि आपकी जो सूर्य अखलास है आप जो उस पर ईमान का दावा करते हैं कहते हैं वो तो है और उसको एक बार पढ़ना एक तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर है तो आपको ये सारे मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे बात वाज है जी हाँ तो ये जो अब्दुल्ला व रसूल हो वलीमत हो वोह मिन हो जब तक आप इन सारी चीजों को सूर्य अखलास के साथ नहीं देखेंगे तब तक मामला क्लियर नहीं होगा तो इसका मकसूद ये हुआ कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं यानी बेटे नहीं हैं जब अल्लाह अल्लाहल को बेटा नहीं तो लाजिमे की बीवी भी नहीं साहिबतन वला अल्लाह लमयला को न बीवी की हाजत है ना बेटे की बल्कि किसी भी चीज की हाजत नहीं है इसी को कहते हैं असमद इसी को क्या कहते हैं असमद अल्लाह फिर अल्लाह ने आगे वाजी भी किया लमयलित बाप बेटे वाला कोई मसला अल्लाह अल्लाहल के यहाँ नहीं चलता और इसी के साथ साथ वलम यकुल्लहू क्योंकि अगर बेटा होगा तो तो बाप के मरतबे में आएगा कि नहीं आएगा जी हाँ तो अल्लाह के बराबर अल्लाह के हमसर कोई नहीं तो ये जो तीसरा टुकड़ा है ये आपकी सूर्य अखलास को मुकम्मल करने वाला है तो गोया ये तोहीद को मुकम्मल करता है इसके जरिए आप ये बता इसके जरिए हम कहना चाहते हैं अल्लाह क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए हम सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह का माना कोई बताएगा हाँ हर कमी से हर खामी से हर कमजोरी से हर आय से और हर हाजत से ये भूलना नहीं कभी हर हाजत से अल्लाह पाक है ये माना होता है सुबहान अल्लाह का यानी अल्लाह को किसी की कोई हाजत नहीं आज मेरा बेटा है तो मुझे बेटे की हाजत है ना और बेटा है तो उसको अपने बाप की हाजत है कि नहीं है जी हाँ तो अल्लाह वजल सुबहानल्ला जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है तंजीह व तकदीस अल्लाह अजल हर कमी से हर खामी से हर आय से हर कमजोरी से हर बुराई से हर आय से और हर हाजत से पाक है महफूज फिर इसके बाद हम कहते हैं अल्हदल्ला जमी और सिफातम इसका मफहम होता है जितनी भी कमाल की जब हमने अल्लाह को सारी नक्स की सिफात से पाक करार दिया तो अब उसका अपोजिट क्या होगा जितनी भी कमाल की सिफात है वो सब अल्लाह के लिए इसीलिए सुबहानल्लामद हम तस्वीर पढ़ते हैं ना हर फर्ज नमाज के बाद तो जरूर पढ़ा कीजिए हमको भी हिदायत दे जरूर पढ़ा कीजिए सुबहानल्लाहमदल्ला तो हमने अल्लाह तला को जब कहा कि हर नक्स से वो पाक है हर हाजत और कमजोरी से वो महफूज है तो लाजिम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अब क्या है फिर जितनी भी कमाल की सिफात है जितनी भी अच्छी सिफात है जितनी भी हमद तारीफ सना और तकदीस है वो सब का सब अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तो ये जो टुकड़ा है ना तीसरा वाला मैंने कहा था खास तौर पर ध्यान दीजिए जब तक ये टुकड़ा मुकम्मल नहीं होगा तब तक आपका ना सुबहान अल्लाह होगा ना अल्हम्दुलिल्लाह होगा ये है तोफी यह है सूर्य अखलास फिर उसके बाद फरमाया चौथा टुकड़ा वल जन्नत हक जन्नत हक है और वलनारा हक और जहन्नम भी हक है हमारे किराम ये बताते हैं अल्लाह उनकी रहे पर रहम करे और उनकी हिफाजत भी करे जो हयात हैं कि जन्नत और जहनम दोनों मखलूक हैं दोनों पैदा की जा चुकी जन्नत और जहनम दोनों पैदा की जा चुकी हैं और अल्लाह बजल ने आदम आसाम को जब पैदा किया तो उनकी पीठ से उनकी जो भी नस्ल क़्यामत तक आने वाली है दोनों को निकाला दाई तरफ से जन्नत वाले और बाई तरफ से जहन्नम वाले और कहा कि ये जन्नत में जाएंगे और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है और यानी मतलब ये जन्नत में जाएंगे तो इनके जन्नत में जाने से मेरी बड़ाई में कोई इजाफा होने वाला नहीं है और ये जहनम ही है और इनके जहनम में जाने से मेरी बड़ाई में कोई कमी होने वाली नहीं है तो सारे उमूर तयशुदा हैं अब ये है कि जन्नत तो और जहन्नम कहाँ हैं तो जन्नत आसमान में है और जहन्नम जमीन के नीचे है जन्नत कहां है आसमान में है और जहन्नम कहाँ है ये जमीन के नीचे है देखिए जो हमारी कायनात है ना ये उतनी नहीं है जितनी हमको दिखती है जो कितनी ज्यादा बड़ी हो तो अल्लाह बेहतर जाने हमको तो बहुत थोड़ा सा दिखता थोड़े का भी थोड़ा दिखता यानी अगर सौ परसेंट माने तो उसमें एक दो परसेंट तक हमको दिखता है उससे ज्यादा का नहीं दिखता और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने मगर हमारी निगाहों से ओझल है मैं ऑक्सीजन लेता हूँ मगर मैं हवा देख थोड़ी पाता हूँ फरिश्ते मेरे नामा यामा लिख रहे हैं मैं क्या बोलता हूँ कहाँ जाता हूँ लेकिन मैं फरिश्तों को देखता हूं तो कलम छीन लेता काय को लिख रहा है कि नहीं यही सब है ना तो बहुत सी मखलूकत हैं हम जिनके साथ चौबीस घंटे रहते हैं मगर हम उनको देख नहीं पाते तो जन्नत और जहन्नम यकीन मौजूद हैं मगर हम उनको देख जन्नत का तो ऐसे भी तस्वूर नहीं होता नहीं देख सकते क्योंकि वह सातवें आसमान के ऊपर है और जहनम गर वो यहीं कहीं है ज़मीन के नीचे लेकिन उसको देखना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बहुत सी मखलूक़ात हैं उसकी आवाज़ आती है मगर हम आवाज़ सुन नहीं पाते ज़मीन घूमती है तो आवाज़ तो आती होगी ना थोड़ा सा पंखा चलता है तो आवाज़ आती है तो ज़मीन घूमती है तो आवाज़ तो आती होगी ना लेकिन हम सुन नहीं पाते कब्र में जब मुर्दे को अजाब दिया जाता है तो जानवर सुनते हैं लेकिन हम जी हाँ तो आप ये ना कहना कि हमको दिखाई नहीं देती बहुत सी मखलूक हमारे सामने हैं जिन्नात यहाँ मौजूद हैं फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हवा यहाँ मौजूद है मगर हम हवा को देख नहीं पाते तो जहन्नम भी अल्लाह ने बहुत से अहम मकासद के तहत हमारी आंखों से ओझल रखी है तो जन्नत और जहन्नम दोनों मखलूक हैं दोनों मौजूद हैं और इन शह क्यामत के दिन जन्नत ही जन्नत में जाएंगे जहन्नमी अल्लाह हम सबको महफूज रखे जहन्नम में जाएंगे अल्लाह के यहाँ सबके फैसले हो चुके हैं अल्लाह अल्लाहल हमें बाई तरफ वालों से महफूज रखे हमारा शुमार दाई तरफ वालों में करे सारे गुनाहों के बावजूद अब ये पांच पॉइंट हमारे हो गए तो आखिरी जुमला जो तोहेद की फजीलत का है वो आपके सामने रखता हूँ पांचवा जुमला है तोहीक की फजीलत का और वो है ये जो पांच जुमले हैं इन पर जो भी मनशहीदा को याद रखिए उन सब का ताल्लुक पांचों जुमलों का मनशहीदा से है अद खल्लाह जन्नता अद खल्लाह जन्नता मिल अमल तो जो बंदा अभी इन पांचों उमूर की गवाही देगा और गवाही दिल की ये नहीं कि जबान से कह दिया तो मुनाफिक होता है जबान से कहने वाला जिसके दिल में ईमान ना हो वो कौन होता है मुनाफिक होता है इसीलिए हम कहते हैं ईमान जो दिल में होता है जो जबान से ज़ाहिर होता है और हम अमल करके जो बताते हैं तो ईमान का ताल्लुक हमारे दिल से है हमारी जबान से और हमारे जिसम से है हमारे आमाल से हमारी नीयत से है हमारे इरादे से है हमारे कौल वरार से है और हमारे आमाल से है ये ईमान है तो जन्नता अमल। तो ऐसा बंदा जिसे इन पाँचों मोर की गवाही दी होगी अपने दिल से अपनी जबान से और उसी के तकाज़े के मुताबिक अमल भी किया होगा तो इन शाह उसे जरूर ब ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा चाहे उसके अमाल कैसे भी रहे हो चाहे उसके अमाल कैसे भी रहे हो नेक हो बद हो अच्छा हो बुरा हो गुनाहगार हो छोटे गुनाह किए बड़े गुनाह किए बहुत गुनाह किए सारे रजिस्टर गुनाहों से भर दिए लेकिन अगर वो पर मरेगा तो अल्लाह इन से इसके तमाम गुनाहों के बावजूद भी इन जन्नत में दाखिल करेगा और हम अच्छी तरह आपको समझा चुके हैं कि बहुत से माहिदीन मोमिन वो होंगे जो अल्लाह के फजल से बगैर जहन्नम में गए हालांकि बड़े बड़े गुनाह किए थे लेकिन अल्लाह उन पर अपना खास फजल फरमाएगा और जहनम में दाखिल किए बगैर उनको जन्नत में दाखिल कर देगा ये मोमिन गुनागार थे लेकिन अल्लाह ने माफ़ किया दूसरी किस्म के वो लोग होंगे वो मोमिन माहिदीन होंगे जिनके गुनाह इस काबिल होंगे कि उन्हें सजा दी जाए जिनके गुनाह इस काबिल होंगे कि उनको सजा दी जाए तो अल्लाह बदल एक मुद्दत तक उनकी सजा पूरी होने तक उनको साफ करने तक जहन्नम में रखेगा और उसके बाद इन शिल आखिर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा तो ऐसा बंदा भी उन्हीं दोनों में से किसी एक कैटेगरी का होगा लेकिन बिल आखिर अंजाम उसका क्या होगा बिल आखिर इनशाला उसका अंजाम यही होगा कि वो जन्नत में जाएगा किस बात की बदौलत तो किस बात की बदौलत तो इससे मालूम होता है कि तोहीद की फजीलत इतनी अजीम है कि इंसान के सारे गुनाहों को वो माफ़ करवा सकती है इंसान के सारे गुनाहों को अल्लाह वजल माफ़ कर सकता है बस शर्त यह है कि इंसान तोहेद पर जिए और तो पर मरे अल्लाह वजल मुझे और आपको तोहेद पर ईमान पर सबित कदम रखे अल्लाह वजल मुझे और आपको उन तमाम अमूर पर की गवाही देने की तोीक दे दिल से अपने किरदार से अपने कौल वार से अपने अमाल से जिनका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इस मुबारक हदीस में किया है आमीन व आप में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं दज्जाल को मसीह हम भाई का ये कहना है हमारे के ईसा को मसीह कहते हो तो समझ में आ गया फिर दज्जाल को मसीह क्यों कहते हैं दज्जाल को मसीह कहने की भी वजूहत हैं एक तो ये कि उसने कहाँ कैसे होगी ये तो आपने सुना होगा है ना काना तवीत तो काना बोलते हैं उर्दू वाले हम काना दज्जाल वो आधी आंख वाला है हम तो एक ही खराब समझते हैं हदीस में डेढ़ आंख खराब होगी जो अपनी खुद की आंख अच्छी ना कर सके वो दूसरों का रब बना फिरेगा नब्ला और हदीस का इनकार करने वाले उस पर ईमान भी लाएंगे क्योंकि कहते हैं कुरान में कहा दज्जाल का जिक्र है तो ईमान लाएंगे और हम कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था खबरदार किया था तो अल्लाह हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की वजह से इनशा उससे महफूज रखेगा तो दज्जाल जो है वो आधी आंख वाला है उसकी एक आंख पूरी गई गुजरी है और दूसरी भी आधी खराब है इंशाल्लाह कभी मौका आएगा तो तफसील से बताऊंगा अब दज्जाल को मसीह क्यों कहा जाता है दज्जाल को मसीह कहा जाता है, है ममसूह के माना में ये जो लफ्ज़ मसीह है ना अरबी का लफ्ज मसीह बीमाना फ़ईल और ये जो फ़ईल का वजन है ये मासिह भी होता है बीमाना मिटाने वाला और ममसूह भी होता है जिसको मिटाया गया तो चूंकि दज्जाल की एक आंख मिटा दी गई इसलिए उसको मसीह कहा जाता है दूसरा माना ईसा शर को मिटाएंगे और मिटाया उन्होंने आगे भी मिटाएंगे इंशाल्लाह और दज्जाल खैर को मिटाएगा दज्जाल किसको मिटाएगा खैर को तो इसलिए वो मसीह तीसरा दज्जाल मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा चक्कर है ना सबको तो गोया छूना हुआ वो चलना हुआ तवाफ इस एतवार से भी दज्जाल को मसीह कहा जाता है वाह देखिए ईसा को रोसूल्ला कहा जाए ऐसी कोई रिवायत है साहब कोई ऐसी सही रिवायत जिसमें ईसा कहा ईसा रोस क्योंकि कुरान ने यह हदीस ने उनके लिए रूहुम मिनहू का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान में यह हदीस ने उनके लिए लफ्ज आया वो रोसू का लफ्ज नहीं आया रूहुम मिनहो जो मैंने आपको समझाया फर्क तो अल्लाह वाल वो रोसम है यानी रुह मिनल्ला अल्लाह ने जो रूह पैदा की है उन्हीं रूहों में से एक रूह है कि लेकिन उसका एक तरीका जो बताया वो थोड़ा सा अलग था तो एहतियात करना चाहिए ना वहाँ भी अल्लाह ने भी रूह नहीं कहा ना तो हम भी तर्जुमे में एहतियात करें अल्फाज में एहतियात बहुत जरूरी है जबकि मामला तोहद और शिरक का है मामला काहे का है, का है? तोहैद और शिरक का मामला है तो एहतियात बहुत जरूरी है इजाज़त चाहूँगा अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी वबिल्लाहि तौफीक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू